बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन का क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इन अ समर सेल मुझे बाइस के शर्ट एट डबल डिस्काउंट ऑफ रुपीज ऑफ 30% एंड 15% एट व्हाट प्राइस ही बॉट अ शर्ट इफ मार्क प्राइस इज 2000 रुपीज। तो कैसे लिख लेगा कि भूषण ने 2000 का शर्ट परचेस करने के लिए गया, तो ये 2000 रुपए क्या इंडिकेट कर रहा है, 100%। 100% क्यों, क्योंकि शॉपकीपर इतना बेचने वाला था, पर क्योंकि समर सेल था तो भूषण को यहाँ पे 30% एंड 15% ऐसा उनको डिस्काउंट मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको 45% का डिस्काउंट मिला है, ठीक है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। तो यहाँ पे इसका सिंगल इक्विवेलेंट कैसे निकाले, वही हमारा फॉर्मूला, कौन सा वाला, एड माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100। क्लियर, तो ऐड अगर करेंगे तो आएगा 45 माइनस 30 इंटू 15 इज 450 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका फाइनल कैलकुलेशन कितना आएगा, 45 माइनस 4.5 तो आएगा कितना, 40.5। मतलब भूषण को ये शर्ट परचेस करने के लिए कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 40.5% का। अभी हमको निकालना है कि अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, तो वो कैसे निकलेगा, रुपीज 2000 है, 2000 इंटू 100% माइनस 40.5%। क्लियर, तो 2000 इंटू 100 में से 40.5 अगर गया तो कितना आता है, 59.5। अब परसेंट को मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहा हूँ, 59.5 डिवाइड बाय 100। अभी 00 बटा 00 बटा 20 इंटू 40 59.5 कितना होता है, वो आता है 1190। अब यहाँ पे और एक चीज है, मान लो क्वेश्चन में ये आता, ये क्वेश्चन ये आंसर क्या इंडिकेट कर रहा है कि कितना भूषण ने पे किया। अगर क्वेश्चन में आता कि बताइए भूषण को कितना परसेंट का ऑफ मिला, अगर वो होता तो यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा चेंज होता, क्या 2000 रुपए है उसका 100% प्राइस, इसको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 40.5 का, 40.5 का। तो अगर ये कैलकुलेशन करते तो हमारा आंसर आता है रुपीज 810। ये क्या इंडिकेट करता है कि टोटल 810 रुपए का उनको ऑफ मिला, इन अदर वर्ड्स 1190 उनको पे करना पड़ा। तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, अगर 100 माइनस करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि कितना पे करना है, और अगर 100 माइनस नहीं किए, डायरेक्टली हमने जो डिस्काउंट रेट है, डिस्काउंट परसेंट है, उससे अगर मल्टीप्लाई किए तो कितना ऑफ मिलने वाला है, वो अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।